साथियों, आज एक और खास जानकारी आपको देना चाहता हूं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आपकी नौकरी छूट गई, आपका व्यापार बंद हो गया, आपकी कमाई कम हो गई और आप बैंक की किश्त नहीं दे पा रहे हैं, तो बैंक से समय लेना आपका अधिकार है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है और बैंक आपको समय देने से मना नहीं कर सकता। आरबीआई भी कहता है, हर बैंक कहता है कि जब आपने लोन लिया आपकी स्थिति बैंक को पता थी, आज जब आपकी स्थिति खराब है अपनी स्थिति के बारे में बैंक को अवगत कराइए, रिटर्न में बैंक को बताइए, बैंक को अपनी पूरी स्थिति के बारे में बता दीजिए, आज आपकी स्थिति कैसी है। मान लीजिए आपकी नौकरी छूट गई, जब आपने लोन लिया था आपके पास नौकरी थी, जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया था आपकी नौकरी सही चल रही थी, अब नौकरी नहीं रही, अब कहां से किस बैंक पे करेंगे, बैंक से जाकर के बात करिए, रिटर्न में बात करिए और अपनी पूरी स्थिति के बारे में बताइए कि मैं अभी किस देने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे समय दिया जाए। और समय मांगना, बैंक को अपनी स्थिति के बारे में बताना, ये आपका अधिकार है और बैंक को आपकी मदद करनी पड़ेगी। और उसमें अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए कि मेरी आज आर्थिक स्थिति खराब है, नौकरी छूट जाने के कारण, व्यापार बंद हो जाने के कारण, कमाई कम हो जाने के कारण, और अपने जो भी सबूत है, मान लीजिए नौकरी छूटी है, टर्मिनेट किया गया, टर्मिनेशन लेटर होगा, आपको निकाला गया है, लेटर लेकर के जाइए, लेटर लगाइए कि इस डेट से मेरी नौकरी नहीं है, मैं अब किश्त नहीं भर पाऊंगा, बैंक मुझे विकल्प दे कि क्या विकल्प है मेरे पास, ताकि बैंक बता पाए कि क्या क्या विकल्प आपके पास होते हैं। और ये बात रिटर्न में करनी है, ओरल बात मत करना, बैंक आपको एंटरटेन नहीं करेगा, रिटर्न में बात करिए। और यदि आप लेटर लेते हैं और बैंक आपका लेटर लेने से इनकार करता है, तो बैंक के मैनेजर को बोलिए, आप लिख करके दीजिए कि आप मेरा लेटर स्वीकार नहीं कर रहे, और अगर फिर भी नहीं लिखता है आप उसकी वीडियो बनाइए, वीडियो रिकॉर्ड करके हमारी टीम को भेजिए, हम उसकी कंप्लेंट करेंगे। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कस्टमर की स्थिति के बारे में बैंक को अगर कस्टमर बताता है, उसे उसकी स्थिति को सुनना पड़ेगा और जो बेस्ट पॉसिबल विकल्प होगा वो विकल्प देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा लोन माफ कर देगा बैंक, बैंक लोन माफ भी कर सकता है, समय दे सकता है, आपकी किस्त को कम कर सकता है, आपका लोन रिस्ट्रक्चर कर सकता है, आपको लीन पीरियड दे सकता है, बैंक के पास बहुत सारे अधिकार है, लेकिन आपको अगर नहीं पता, आप रिटर्न में लिख करके जाइए, अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराइए बैंक को और प्रूफ के साथ जाइए। अगर आपके घर में कोई हादसा हो गया, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते सर घर में हादसा हो गया, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, ये बीमारी के सबूत है, मेरा 15-20 लाख रुपए उस पर खर्च हो गया और अब मैं किश्त देने की स्थिति में नहीं हूं, मेरा व्यापार तबाह हो गया, मेरी दुकान में आग लग गई, मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया, नोटबंदी जीएसटी लॉकडाउन के कारण मैं बिल्कुल कमाने लायक नहीं रहा हूं, और ये मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ मुझे मत दिखाइए, प्रूफ बैंक को दिखाइए और बैंक से जाकर के रिक्वेस्ट करिए कि मेरी स्थिति आज ऐसी है, बैंक मुझे सलाह दे, बजाय कि आप बैंक से पूछे कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या क्या विकल्प मिल सकते हैं, बैंक से बोलिए बैंक क्या विकल्प दे सकता है। बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करेगा और उसमें लिख दीजिए लेटर में कि आप आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप मुझे विकल्प दीजिए, मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या विकल्प है, क्योंकि मेरे पास कमाई का साधन नहीं है। और अगर आपकी जन्मन स्थिति हुई तो बैंक को आपकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक से समय मांगना आपका अधिकार है, आप कोई आउट ऑफ द वे जाकर के सपोर्ट नहीं मांग रहे। और बहुत सारी जगह बहुत सारे बैंक के मैनेजर बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत सारे मैनेजर को जानता हूं जहां हमने अपने लोगों को भेजा और बैंक ने कहीं 3 महीने का, कहीं 6 महीने का, कहीं कहीं किसी प्रॉपर्टी केस में 1 साल का लीन पीरियड दिया है, बैंक समय दे सकता है अगर बैंक को वाकई आपकी जन्मन स्थिति लगे। और जो जन्मन लोग हैं, जिन्होंने फ्रॉड कर रखा है, जिन्होंने गलत कर रखा है, जो डिफॉल्टर ही रहे हैं, उनकी बात तो नहीं कहता, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उनका अगर पिछला 10-15 वर्ष से बैंकिंग उससे अच्छा रहा है, बैंक के साथ संबंध अच्छे रहे, मैनेजर से संबंध अच्छे रहे, मेरा पूरा विश्वास है बैंक का मैनेजर या बैंक के लोग आपकी मदद जरूर करेंगे, वो भी इंसान है, वो भी समझते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं, वो उस दायरे में रह करके काम कर सकते हैं, वो आपका लोन तो शायद माफ ना कर पाए लेकिन कम से कम आपको समय दे सकते हैं, आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आपकी ईएमआई का अमाउंट को कम कर सकते हैं, आपकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, आपको लीन पीरियड दे सकते हैं, बहुत सारे विकल्प बैंक के पास है, बैंक से समय मांगना आपका अधिकार है। बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी टीम भी आपकी मदद करेगी। मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया था, अगर मुझसे मिलना चाहे तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं करना है, इस पर व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, नंबर है 9891299628 और उसमें लिखिए मुझे सर से मिलने का समय चाहिए। जब भी मैं दिल्ली में हूंगा आपको मिलने का समय मिल जाएगा, मैं आपके राज्य में अगर आ रहा हूंगा वहां की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ताकि आप वहां आकर के मुझसे मुलाकात कर सकें।